बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी किचन में बहुत ही यमी और ठंडा मैंगो फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। ये फ्रूट कस्टर्ड यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही झटपट बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने किचन में। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड के 2 बड़े पैकेट। ये एक पैकेट 1 लीटर दूध में जाएगा। यहाँ पे मैं 1.5 लीटर से 2 लीटर दूध का कस्टर्ड बना रही हूँ, तो इसमें 2 पैकेट जाएंगे। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, 1.5 लीटर से ज़्यादा है। एक टेट्रा पैक का क्रीम का पैकेट मैंने लिया है और मैंगो चंक्स हमने लिए हैं 1 प्याली भर के। शुगर एज़ ए टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कैंड फ्रूट लिए हैं, जेली ली है मैंगो वाली। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से नेक्स्ट यानी कि आगे शेयर करूँगी। दूध हमने लिया है अलग से 1.5 लीटर के अलावा। मैंगो जेली हम बना लेते हैं। मैंगो जेली बनाने के लिए हमने 400 ml वाटर लिया है। इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इसको बबल आने तक पकाएंगे। थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो हम इसमें जेली का पैकेट खोलकर ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने डाला है जेली का पैकेट। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें बबल आने शुरू हो जाएंगे और ये जो जेली के जो क्रिस्टल्स हैं वो पानी में मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। साथ साथ आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, इसको डिसॉल्व करते रहना है ताकि जो जेली के क्रिस्टल्स हैं शुगर की तरह होते हैं वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। यहाँ पर बबल आने शुरू हो चुके हैं, हमारी जो जेली है वो तकरीबन तैयार ही पकने ही वाली है। ये देखें इस तरीके से हमारी जो जेली थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे एक बाउल में और रूम टेम्परेचर पर या फिर आप फ्रिज में रख दें इसको ठंडा होने के लिए। ये देखें जेली बिल्कुल रेडी है, इसको डिश आउट कर लेंगे। जेली को हमने रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, उसके बाद आप फ्रिज में रख दें तो ये सेट हो जाएगी। जैसे ही ये सेट होगी हम इसके पीसीस काट लेंगे। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम बनाएंगे कस्टर्ड। 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से ज़्यादा ही दूध है ये हमने लिया है। इसको बॉयल होने के लिए हमने एक पतीली में डाल दिया था। जैसे ही इसमें बॉयल आया हमने 200 ग्राम जो शुगर थी वो इसमें ऐड कर दी है। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं कम या ज़्यादा, आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मीठा पसंद करती हैं। शुगर इसमें डिसॉल्व कर लेंगे, साथ साथ चम्मच हिलाती रहें। जैसे ही इसमें हम उबाल आएगा दोबारा से तो इसमें हम डाल देंगे मैंगो कस्टर्ड पाउडर। दूध में बॉयल आ चुका था, अब हमने लिया है 1.5 लीटर से अलग जो है यानी कि 1.5 लीटर के अलावा जो दूध था वो मैंने रूम टेम्परेचर दूध लिया था। इसमें हम 1 पैकेट पहले डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो लम्स हैं वो ना बने। इस तरह हमने दूसरा पैकेट खोला है, वो भी ऐड कर देंगे दूध में। ऑलरेडी जो हमने पैकेट मिक्स किया हुआ था उसी में मिक्स कर देंगे और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। ये देखें, आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि यही रिफाइन कस्टर्ड मैंगो पाउडर लें तो बेस्ट रहता है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने जो मैंगो कस्टर्ड पाउडर था मिक्स करने के बाद दूध में ऐड करना शुरू कर दिया था, मैं उसकी वीडियो को कैप्चर नहीं कर सकी, सॉरी। तो यहाँ पे बबल आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें इस तरीके से बबल आने शुरू हो गए, आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये एक थिकनेस जो है वो ना इसमें आए। कस्टर्ड पाउडर पकाने के बाद हमने उसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। रूम टेम्परेचर पर हमने इसको छोड़ देना है और यहाँ पे जो मैंने मिल्क पैक क्रीम का जो पैकेट लिया था वो इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। याद रखें कि जब भी आपने क्रीम का पैकेट ऐड करना है आपका जो कस्टर्ड है वो रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए तभी आपने उसमें क्रीम का पैकेट ऐड करना है। गर्म गर्म कस्टर्ड में आप लोग अगर क्रीम का पैकेट ऐड करेंगी तो वो ऑयली हो जाएगा और आपका कस्टर्ड भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। मिक्स हमारी क्रीम जो थी वो मिक्स हो चुकी थी, अब हम इसमें डालेंगे अपने जो फ्रूट्स जो मैंने मैंगो कस्टर्ड के लिए निकाल के रखे थे।
ये देखें कंसिस्टेंसी आप चेक करें, ठीक कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ये रेडी हुआ है बनकर। रूम टेम्परेचर पर हमने इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स, आप अपनी पसंद से जो आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल है वो इसमें ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल भर के लिया था कैंड फ्रूट का, मिक्स फ्रूट होते हैं ये। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक बाउल भर के मैंगो चंक्स, क्योंकि मैंगो कस्टर्ड बना रही हूँ तो मैंगो चंक्स लाजमी आप इसमें ऐड कीजिएगा। इस ये जो मैंगो कस्टर्ड है इसमें जो मैंगो के चंक्स हैं जो अब आप खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे और मुंह में आएंगे तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। आप एप्पल बनाना कुछ भी अगर आपके पास जो फ्रूट्स है वो डालें, लेकिन मैंगो जो है वो आप लोगों ने लाजमी ऐड करने। थोड़े से मैं मैंगो बचा लिए थे ताकि बाद में इसको गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अब आप इसको डिश आउट करें, सर्व करें, ठंडा करें, 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में ना रखें। मुकम्मल तौर पर जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से आप इस पे ग्रेट किया हुआ नारियल, बादाम, पिस्ते, ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स कुछ भी आप डाल सकती हैं। फ्रूट केक भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। फ्रूट केक के लिए जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो मैं आप लोगों से वनीला कस्टर्ड शेयर कर चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं आई बटन पे डाल दूँगी। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी मैं लिंक आई बटन पे डाल दूँगी। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये है हमारे कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक, मैंगो कस्टर्ड बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठंडा करें, सर्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।